Hi guys, this is Aki and you're watching Akidi Hot Pistons YouTube channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हमारी Duke 250 पे इस दुनिया का सबसे बड़ा स्प्रॉकेट लगाने वाले हैं, जो कि मेरे पीछे आप यहां पे देख सकते हैं इस बॉक्स में है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्प्रॉकेट, जो कि हमने खास ऑर्डर देके बनाया है रॉयल कस्टम से, जो कि एक पुणे की कंपनी है जो कि परफॉर्मेंस स्प्रॉकेट बनाती है हर एक बाइक के लिए, स्प्लेंडर से लेके पल्सर से लेके केटीएम से लेके हिमालयन से लेके हर एक बाइक के लिए इनके पास परफॉर्मेंस स्प्रॉकेट आपको मिल जाएंगे ऑर्डर बेसिस पे। बड़ा स्प्रॉकेट चाहिए तो बड़ा स्प्रॉकेट मिल जाएगा, छोटा चाहिएगा तो छोटा स्प्रॉकेट भी इनके पास मिल जाएगा। तो यहाँ पे रॉयल कस्टम्स का इंस्टाग्राम आईडी मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, अगर आप लोगों को स्प्रॉकेट बनाना है अपनी बाइक के लिए, चाहे कोई भी बाइक हो, आप इनसे बना सकते हैं और बेस्ट स्प्रॉकेट क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी रहती है, आप इनको डीएम करके स्प्रॉकेट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दुनिया के सबसे बड़े स्प्रॉकेट की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है दुनिया का सबसे बड़ा स्प्रॉकेट। यहाँ पे अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ। यहाँ पे इसके साथ साथ हमने एक रेगुलर स्टंट स्प्रॉकेट भी मंगाया है। वैसे इस बॉक्स में दो स्प्रॉकेट होने चाहिए, एक दुनिया का सबसे बड़ा स्प्रॉकेट और एक रेगुलर 60 टीथ का स्टंट स्प्रॉकेट, जो कि मैं आपको खोल के अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे खुल रहा है, थोड़ा सा स्पॉकेट दिखाओ, दिख रहा होगा आपको अंदर। और इसको अब हम बाहर निकालेंगे। 3, 2, 1 मेरे साथ बोलो गाइस, टन टन। ये वाव गाइस, वाव कितना बड़ा है यहाँ पे। जल्दी से इसको अनरैप करते हैं। तो गाइस हमारी ड्यूक 250 पे ऑलरेडी हमने स्टंट स्पॉकेट लगा के रखा था 60 टीथ का, अब उसकी लाइफ खत्म हो गई तो हमने चेंज करके वापस से स्टॉक वाला स्पॉकेट यहाँ पे लगाया है। और ये स्टॉक वाला स्पॉकेट है, तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है यहाँ पे। और अभी मैं आपको बताऊंगा, जो नॉर्मल स्टंट स्प्रॉकेट होता है वो 60 टीथ का हमने अगेन यहाँ पे रॉयल कस्टम से मंगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 टीथ लिखा हुआ है, यहाँ पे अकीडी हॉट पिस्टन्स लिखा हुआ है, भाई ने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ये नॉर्मल स्टंट स्प्रॉकेट है गाइज, जो कि 60 टीथ का है और ये बहुत बड़ा है, नॉर्मल स्प्रॉकेट से हम कंपेयर करेंगे तो, जिससे इसका जो है टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये है मॉन्स्टर स्प्रॉकेट, दुनिया का सबसे बड़ा स्प्रॉकेट रॉयल कस्टम्स की तरफ से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉयल कस्टम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिया भी लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया स्प्रॉकेट है, बहुत ही प्राउड की बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 टीथ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बहुत बड़ा है गाइस, सच में बहुत बड़ा स्प्रॉकेट है ये। तो गाइस यहाँ पे ये स्प्रॉकेट कितना बड़ा है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको इसके मैगविल के सामने यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट मैगविल के साइज जितना बड़ा स्प्रॉकेट है, हल्का सा छोटा रहेगा मैगविल से, लेकिन ये बहुत बड़ा स्प्रॉकेट है जिसको लगाने के लिए हमको लगभग 2 चेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी बंदोबस्त कर रखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब स्प्रॉकेट आप इतना बड़ा कहीं पर भी ट्राई करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। और इसको मैं एज ए पर्सनल एक्सपेरिमेंट मैं खुद करना चाहता था कि अगर इतना बड़ा स्प्रॉकेट लगाएंगे तो हमको कैसा टॉर्क मिलेगा ड्यूक 250 में, वही देखने के लिए इस स्प्रॉकेट को मैं लगाने वाला हूँ। सो गाइस अब बात करते हैं इस स्प्रॉकेट के क्वालिटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटली मेटल का स्प्रॉकेट है और यहाँ पे इसका जो काम पूरा CNC मशीन के द्वारा किया गया है और एकदम परफेक्ट स्प्रॉकेट है, कहीं पर भी किसी तरीके का इसके टीथ वगैरह में चेंजेस नहीं है। जैसा टीथ यहाँ पे है एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट वाला, हर एक टीथ इसका यहाँ पे कैलकुलेट करके इन्होंने दे रखा है। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो एकदम फ्रेश डिज़ाइन है, इस तरीके का डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड में अभी तक तो किसी ने बनाया नहीं है। सो ये आपके भाई अकीडी हॉट पिस्टन्स ने रॉयल कस्टम के साथ मिलकर बना दिया है। अभी बात करें यहाँ पे इनके स्प्रॉकेट की क्वालिटी की, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदों इनके पास से स्पॉकेट बनाया है, अपनी ड्यूक 250 200 किसी भी बाइक के लिए इनके पास स्पॉकेट लोग बनाते हैं। और यहाँ पे किसी तरीके का कंप्लेंट नहीं है क्वालिटी के मामले में, क्योंकि क्वालिटी इनकी बहुत बढ़िया रहती है। और बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइस भी इनका बहुत अच्छा रहता है, एकदम बेस्ट प्राइस में ये स्पॉकेट की डील करते हैं। One touch and we're igniting.
setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. This baby, our love is gonna burn down. यहाँ पे देख सकते हैं आप 72 टीथ का मॉन्स्टर स्प्रॉकेट हमने लगा दिया है हमारे ड्यूक 250 पे। कितना बड़ा स्प्रॉकेट है गाइस, जितनी बड़ी ये स्प्रॉकेट है उतना ही बड़ा ये बाइक को नुकसान पहुंचा रही है। वो इसलिए क्योंकि ये हद से ज़्यादा बड़ी स्प्रॉकेट है, जिसकी वजह से इसका जो चेन जो जहाँ पे भीतर जा रही है वो एंगल भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे नीचे एक बुश होता है वहाँ से चेन पास होती है और चेन वहाँ पे नीचे बुश को टकरा रही है, जिससे साउंड क्रिएट हो रहा है और मज़ा ख़राब हो रहा है। और बाकी 60 टीथ की स्प्रॉकेट ठीक है, 60 टीथ तक सेफली हम उसको चला सकते हैं, लेकिन 72 टीथ की स्प्रॉकेट भाई बहुत ही अत्याचार हो जाएगा बाइक के साथ। तो गाइस ये मेरा एक ड्रीम था कि इतने बड़े स्प्रॉकेट को हमारी ड्यूक 250 पे लगाना और थोड़ा सा चलाना, जो कि हमने बनाया भी लगाया भी। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा ये जो स्प्रॉकेट है ये सही नहीं है ड्यूक 250 के लिए, या फिर जो भी अप टू 400 सीसी के जितने भी बाइक्स हैं उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बड़ा है और इंजन पे इसका मार पड़ रहा है और बाइक की ये इंजीनियरिंग, जितनी भी बाइक की इंजीनियरिंग है वहाँ पे ये उसको नुकसान पहुँचा रहा है, जिसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा है इस स्प्रॉकेट के साथ बाइक को चलाने में। सो गाइज ये है वो स्प्रॉकेट जो अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस स्प्रॉकेट के साथ। सो दिस इज़ द रेगुलर 60 टीथ स्प्रॉकेट और ये ड्यूक 200, ड्यूक 250, 390, आरसी 200, आरसी 390 और इन जैसी बाइक्स में यही स्प्रॉकेट रेगुलर लगता है 60 टीथ का फॉर स्टंट राइडिंग। एंड दूसरे जो भी अलग अलग बाइक हैं उनके लिए अलग से स्प्रॉकेट होता है, जो कि आप रॉयल कस्टम्स यहाँ पे दिख रहा है ये कंपनी का मैं इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इनको मैसेज करके आपके पास कोई भी बाइक हो आप अपने हिसाब से स्प्रॉकेट बना सकते हैं। सो बात करें इसकी क्वालिटी की तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एक इंजीनियरिंग का ये कमाल है और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ काम अधूरा बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार लग रही है और बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और इसको सीधे लगाते हैं बाइक। Love is gonna burn down.
बट गाइस तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नया वाला 60 टीथ का स्प्रॉकेट हमारी बाइक पे हमने लगा दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। डिज़ाइन वाइज भी बहुत बढ़िया है। अभी मैं इसको लेके सीधे प्रैक्टिस पे जाने वाला था लेकिन यहाँ पे ही हमने एक छोटा सा ट्रायल लिया तो यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही स्मूथ आया। किसी तरीके का चेन में आवाज़ नहीं है क्योंकि चेन भी हमने अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रखी है और किसी तरीके की मेटल में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर फिनिशिंग इन्होंने स्प्रॉकेट में दे रखी है। और अभी मैं जाने वाला था प्रैक्टिस के लिए लेकिन अगेन यहाँ पे हमारे देश में जहाँ पे मैं स्पेशली रहता हूँ वहाँ पे लॉकडाउन पड़ गया है तो लॉकडाउन की वजह से अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस पे नहीं जा पाऊँगा। सो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हो सकता है मैं प्रैक्टिस के लिए जा सकूँ। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए स्प्रॉकेट के रिगार्डिंग तो आप सीधे रॉयल कस्टम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज करते रहते हैं स्प्रॉकेट के बारे में। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो हर एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। सो आप डायरेक्टली प्लीज़ रॉयल कस्टम को मैसेज करें और उनसे प्रॉपर 100% कंफर्मेशन लेने के बाद आप उनसे स्प्रॉकेट ऑर्डर कर सकते हैं अपनी किसी भी बाइक के लिए। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है इस बड़ी सी स्प्रॉकेट के रिगार्डिंग और हमने जो मॉन्स्टर स्प्रॉकेट लगाया था उसके रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपने सवाल भर भर के डालो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। सो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद। देखो बारिश भी हो रही है बाहर, मस्त देखो फुल बारिश हो रही है।